एक तो जीटीए सर्विस पर आरसीएम है, एक तो जीटीए सर्विस पर आरसीएम है, ठीक है। हाँ, एक जीटीए सर्विस पर आरसीएम है, दूसरा जो लीगल सर्विस है उस पर आरसीएम है, एडवोकेट की, एडवोकेट साहब की लीगल सर्विस पर आरसीएम है, एडवोकेट साहब की लीगल सर्विस पर आरसीएम है, जो ट्रिब्यूनल वाली सर्विस है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, उस पर आरसीएम है। ट्रिब्यूनल मैंने बता दिया क्या होती है। स्पॉन्सरशिप सर्विस, अगर कोई स्पॉन्सरशिप सर्विस है, ठीक है ना, उस पर आरसीएम है। अगर कोई सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, अगर कोई सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, वहाँ पर आरसीएम है। सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंस ड्वेलिंग टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, अगर आपने अपने घर को किराए पर दिया किसे, रजिस्टर्ड पर्सन को, किसे, रजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है ना, तो वहाँ पर आरसीएम है। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग में आरसीएम है, ठीक है ना, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग में आरसीएम है। सर स्पॉन्सर स्पॉन्सरशिप सर्विस का एग्जाम्पल देना, स्पॉन्सरशिप सर्विस का एग्जाम्पल क्या है, स्पॉन्सरशिप सर्विस का एग्जाम्पल क्या है। मैंने यहाँ पर एक सेमिनार रखा, मैंने यहाँ पर एक सेमिनार रखा, और मैंने सेमिनार में, मुझे पता है 500 लोग आ जाएंगे, मैंने सेमिनार रखा, 500 लोग आ जाएंगे, जीएसटी के ऊपर सेशन है, ठीक है ना, दिल्ली में सेशन है, 500 लोग आ जाएंगे ना। अब मैंने उस 500 लोगों को रखा है, बुलाया है, अब वो जब जीएसटी का सेशन लेने आएंगे सेमिनार में 500 लोग, तो मैंने उनसे रखे हैं कितने रुपये रखूँ, हाँ पूरे दिन के सेमिनार के, मैंने उनसे रख लिए 1000 रुपये लूँगा भाई तुमसे। चलो महेंद्र सिंह ने कहा 500 रख लो, 500 रुपये, मैंने कहा 500 रुपये लूँगा, लेकिन 500 रुपये में दिल्ली के अंदर सेशन रखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इन्हें खाना भी खाना है, ठीक है, ठंड बहुत पड़ रही है, शाम को कहेंगे कुछ विस्की विस्की भी ले आओ सर, तो 500 रुपये में कहाँ से गुजारा चलेगा। तो मेरे को जब पता लगा कि 500 लोग आएंगे, तो एक जयपुर की कंपनी है केडी के सॉफ्टवेयर, उन्होंने कहा सर टेंशन क्यों लेते हो, सर टेंशन क्यों लेते हो, तुम्हारी इवेंट में खर्चा कितना आएगा। मैंने कहा साहब 5 लाख रुपये का खर्चा आएगा, उन्होंने कहा 5 लाख रुपये मेरे से लो, 5 लाख रुपये मेरे से लो, बस क्या लिख दो, ये जो सेमिनार है स्पॉन्सर बाय केडी के सॉफ्टवेयर, क्या लिख दो कि दिस इवेंट इज स्पॉन्सर बाय केडी के सॉफ्टवेयर, और जहाँ जहाँ पर भी स्पॉन्सर की बातें आएंगी वहाँ वहाँ हम स्पॉन्सर आएंगे। तो हर व्यक्ति को लगेगा कि जब 500 लोगों में पूरे बड़े बोर्ड पर लिखा जाएगा स्पॉन्सर बाय केडी के सॉफ्टवेयर, उन्होंने कहा हमारा भी सेशन होगा आधे घंटे का, हमारे को भी एक सीट मिलेगी, मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया। तो इस स्पॉन्सरशिप सर्विस पे आरसीएम आता है, ठीक है। अब एक है सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, साहब ये क्या होता है, डेवलपमेंट राइट्स क्या होता है। भाई मेरे पास एक खाली प्लॉट है, मेरे पास एक खाली प्लॉट है 5000 गज का, 5000 गज का खाली प्लॉट है। अब इस प्लॉट पे जब मैं रजिस्ट्री कराता हूँ, प्लॉट मेरे नाम होता है, तो इस पर बनाने का अधिकार किसका होता है, मेरा या तुम्हारा, इसके ऊपर बिल्डिंग कौन बना सकता है, मैं या तुम, कौन बना सकता है बोलो भाई। मैंने खरीदा है मैं ही बना सकता हूँ, ठीक है ना, मैंने खरीदा है मैं ही बना सकता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी बीत गई, मैंने इस पर एक कमरा भी नहीं डाला, 5000 गज की जगह है, मेरी ज़िंदगी बीत गई, मैंने इस पर एक कमरा भी नहीं डाला। तो मेरे को एक बिल्डर आते हैं, उन्होंने कहा साहब इस 5000 गज के मकान पर मैं बिल्डिंग बना के दे देता हूँ। मैंने कहा तू बिल्डिंग बना ही नहीं सकता, कह रहा क्यों नहीं बना सकता, मैंने कहा राइट ही नहीं है तेरे पास बनाने का, तेरे पास राइट ही नहीं है। मैंने कहा राइट किसके पास है, जिसकी बिल्डिंग उसके। तो उन्होंने कहा ऐसा करो ये राइट मुझे बेच दो, ये राइट मुझे बेच दो, क्या बेच दो मुझे, ये राइट बेच दो, ये अधिकार बेच दो। क्या अधिकार, कि बिल्डिंग बनाने का राइट था मेरे पास, मैंने बेच दिया किसी बिल्डर को। तो मैंने कहा कि जाओ जाओ बिल्डिंग बना लो, मैं ये अधिकार तुम्हें देता हूँ बिल्डिंग बनाने का, कितने रुपये में, 10 करोड़ में, एग्जाम्पल। तो वो जो बिल्डर को मैंने राइट बेचा, तो उसके ऊपर वो बिल्डर जो है आरसीएम देगा, वो बिल्डर जो है वो क्या देगा, आरसीएम देगा। तो इसे बोलते हैं 5B की एंट्री।
ठीक है, तसल्ली आ गई तुम्हारे अरिंदम दास जी, अब इससे ज़्यादा मत पूछना। इसी तरीके से ठीक है ना, अगर मैं अपनी बिल्डिंग को लॉन्ग टर्म लीज पे दे देता हूँ, किस पे दे देता हूँ, लॉन्ग टर्म लीज पे दे देता हूँ कि चलो ठीक है बिल्डिंग बना लो लेकिन ये लीज पर है, तो उसे भी हम आरसीएम के अंदर ही आता है। ठीक है सर, ये आरसीएम 9(3) पर होगा। आंसर इज यस, आंसर इज यस। अभी हम 9(3) डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये, अब मैंने इन्हें 9(3) बताना शुरू करा, अब ये कह रहे एग्जम्प्ट बता दो कि सर एग्जम्प्ट है या नहीं है। भाई सेक्शन 11 की एग्जम्प्शन पढ़ लो ना, और अगर वो एग्जम्प्ट होता तो आरसीएम क्यों आता? टैक्सेबल है तभी तो आरसीएम आया, टैक्सेबल है तभी तो आरसीएम आया, एग्जम्प्ट होता तो आरसीएम नहीं आता। सर आरसीएम को कंप्लीट सीखना है क्या अर्जुन बैच में होगा? आंसर इज यस, अगर तसल्ली रखोगे तो। शर्मिल जिंदल जी, अगर तसल्ली रखोगे ठीक है, जब मुझे लगेगा तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पूरी हो गई है तो मैं सारी की सारी 20 सर्विसेज को ओपन कर करके बताऊंगा, अभी तो मैं तुम्हें सर्विसेज के नाम बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा क्या है, सर्विस सप्लाइड बाय डायरेक्टर। अगर कोई डायरेक्टर, कंपनी का डायरेक्टर कंपनी को कोई सर्विस देता है, कंपनी का डायरेक्टर कंपनी को कोई सर्विस देता है, देन आरसीएम विल बी एप्लीकेबल, देन आरसीएम विल बी एप्लीकेबल। तो कंपनी का डायरेक्टर कंपनी को क्या सर्विस दे सकता है? एग्जाम्पल में नोट कर लो, कई बार कंपनी के डायरेक्टर को मिलती है सिटिंग फीस। क्या मिलती है भैया? सिटिंग फीस। उस सिटिंग फीस पर आरसीएम लगता है। कंपनी का डायरेक्टर मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी को कोई प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है, उसके ऊपर भी आरसीएम लगता है। अगर उसे सिर्फ डायरेक्टर रेमुनरेशन मिल रहा है उस पर आरसीएम नहीं लगता है। ठीक है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर जो ये LIC के एजेंट होते हैं, जितने भी इंश्योरेंस एजेंट होते हैं उसके ऊपर आरसीएम आता है, जितने भी रिकवरी एजेंट होते हैं, जितने भी रिकवरी एजेंट होते हैं उनके ऊपर आरसीएम आता है, जितने भी रिकवरी एजेंट होते हैं उनके ऊपर आरसीएम आता है। मैंने एक किताब लिखी, किताब बहुत अच्छी लगी मेरी, वो किताब मैंने भेज दी किसे, टैक्समैन को। मैंने कहा जाओ तुम इस किताब को छाप लो, जितनी मर्जी कॉपी बेच लो, मुझे तो बस 1 लाख रुपए दे देना। तो मैंने क्या बेच दिया? अपना राइट बेच दिया। क्या बेच दिया? अपना राइट, क्योंकि किताब मेरी थी, ठीक है ना, मेरी किताब पर मैंने राइट्स दे दिया, तो उस पर क्या होगा? आरसीएम लगेगा। कौन देगी? कंपनी, ठीक है ना। तो रॉयल्टी इसी केस के अंदर आता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है जी। तो ये वाली एंट्री में ये आता है। RBI तुम्हारे को पढ़ने का कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। एक RBI की ओवरसीइंग कमेटी होती है, ठीक है। तो जब वो ओवरसीइंग कमेटी, ठीक है ना, RBI को बताती है कि भाई नोटबंदी कर दो, 2000 के नोट बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो उस कमेटी वो सर्विस दे रही है किसे? RBI को। तो उस वाले केस में RCM आता है। जो DSA होते हैं, DSA डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, कौन होते हैं जी? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ठीक है। तुमने देखा हो ना, ICICI के लोग बाग लेके बैठ जाते हैं, इनका लोन बेचो, ये बेचो, तो वो जो DSA होते हैं, जो बैंकिंग कंपनी को सर्विस देते होते हैं, उस पर RCM आता है, ठीक है ना। इसी तरीके से जो बिजनेस फैसिलिटेटर होता है, जो बैंकिंग कंपनी को सर्विस देता है कि भाई चलो तुम्हारे खाते मैं खुलवा दूंगा, तुम्हारा ये काम मैं करवा दूंगा, तो उस पर भी RCM आता है, ठीक है ना। इसी तरीके से बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, ठीक है, सिक्योरिटी सर्विस, सिक्योरिटी सर्विसेज पर RCM आता है। हाँ, DSA का जो कमीशन होगा, ठीक है ना, DSA का जो कमीशन होगा उस पर RCM आएगा। बैंकिंग कंपनी टैक्स देगी, बैंकिंग कंपनी टैक्स देगी। इसी तरीके से जो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल होती है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल होती है, उस पर भी RCM आता है, ठीक है। इसी तरीके से एक सिक्योरिटी लैंडिंग की सर्विस होती है, सिक्योरिटी लैंडिंग की सर्विस होती है कि अपनी सिक्योरिटी को किराए पर दे दो, लेंडर को दे दो, आप पे 10,000 शेयर है, 20,000 शेयर है, उसे आप, ठीक है ना, गिरवी रख सकते हो, लैंडिंग कर सकते हो, उसके बेस पे लैंडिंग हो जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी RCM आता है। तो इस तरीके से लगभग 20 सर्विसेज हैं जिस पर RCM आता है। ये 20 सर्विसेज किस में भाई साहब? ये CGST एक्ट में, किसमें? CGST एक्ट में 9(3) में डिफाइन है। किसमें डिफाइन है? 9(3) में डिफाइन है।
इसी तरीके से आईजीएसटी के अंदर, आईजीएसटी के अंदर दो एंट्री है। आईजीएसटी के अंदर कितनी एंट्री है? दो एंट्री है जिस पर आरसीएम आता है। आईजीएसटी के अंदर दो एंट्री है जिस पर आरसीएम आता है, ठीक है ना। यहाँ पर रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन होना चाहिए? एनी पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। अगर मैं टैक्सेबल टेरिटरी में हूँ, कहाँ पर हूँ? इंडिया में हूँ, और मैं सर्विस ले रहा हूँ, ठीक है ना, और सर्विस किससे ले रहा हूँ? अगोड़ा, फेसबुक, जो हो, जूम, बाहर से ले रहा हूँ, तो उस पर आरसीएम आता है। उस पर क्या आता है? आरसीएम आता है, ठीक है ना जी। अगर मैं इम्पोर्टर हूँ टैक्सेबल टेरिटरी में, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, उस पर आरसीएम आता है। तो ये दो सर्विस, ठीक है ना, ये दो सर्विस ऐसी है जिस पर आईजीएसटी में आरसीएम आता है। अब इन्होंने बोला सर गवर्नमेंट फीस पर भी आरसीएम है क्या? जहाँ पे अगर गवर्नमेंट की सर्विस है, जहाँ पर गवर्नमेंट की कुछ सर्विस है जो आरसीएम में नोटिफाइड है, उस पर आरसीएम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा।